अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे। तो दोस्तों, मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे और अपने प्यारों के साथ हंसता और मुस्कुराता रखे और महफूज। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ बैरकुंड से खाकी तक का सफ़र, और रास्ते में आपको इतने प्यारे मनाजर दिखाऊँगा कुदरती हुसन के। बैरकुंड खाकी से चंद ही फासले पर है, एक दो मिनट की मुसाफत पर है। ये देखें जी, रास्ते में हम जा रहे हैं। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, हर तरफ सब्जा ही है, आप लोगों को सब्जियाँ देखेंगी। तो माशाल्लाह जिस जगह से हम लोग गुजर रहे हैं, ये बैरकुंड से खाकी के दरमियान का रास्ता है। यहाँ पर माशाल्लाह आपको हर मौसम की सब्ज़ी मिलेगी हर वक्त, यानी आप ये कह सकते हैं कि बैरकुंड और खाकी के दरमियान ये बेस्ट इलाका है जहाँ से साल के 12 महीने में उस वक्त की मौसम की सब्ज़ी अवेलेबल ताज़ा दस्तियाब होगी। यहाँ पर जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल मूली होगी, गाजर होगी, सॉरी गाजर नहीं, मूली, ठिपर, पालक, ETC, ये चीज़ें, बाकी यानी मटर वगैरह होगी, जो सब्ज़ी होती है। तो यहाँ से आगे सिरन आएगी, वहाँ पर धोते हैं लोग, साफ़ करते हैं, साफ़ करके क्रेटों में पैक करते हैं और यहाँ पर रोड साइड पर ही रख कर फ्रॉस्ट करते हैं। आगे वीडियो में मैं वो जगह भी आप लोगों को दिखाऊंगा जहाँ पर लोग शायद ये होंगे आज भी बैठने वाले। ये हाकी के पुल स्टार्ट होने लगे। तो दोस्तों, ये देख लें आप लोगों को, ये देख लें आप लोग हाकी सरन, दरिया सरन जिसे कहते हैं, ये उसके पुल से हम गुजर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा पुल बना हुआ है। अभी ये खाकी बाज़ार स्टार्ट हो रहा है, तो बाज़ार के साथ ही हम यहाँ से साइड पे आ गए। मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा फसलें दिखाऊं, सब्जियां दिखाऊं कि आगे काश्त हो रही है। तो ये पहली आलू की फसल थी, आप लोगों ने देखी होगी। ये देखें जी, ये साइड ही पर मकई लगी हुई है, ठीक है, मकई की फसल काश्त हुई है। तो माशाल्लाह जी, यहाँ पर इतना प्यारा ज़रहेज इलाके, इसमें मौसम की हर सब्ज़ी आप लोगों को मिलेगी, हर फसल होती है यहाँ पर, हर फसल उगती है। तो यहाँ की मशहूर फसलों में मैं आप लोगों को बता दूँ कि गंदम होती है बड़ी मकदार में, मकई होती है, बाज़ लोग गन्ना वगैरह भी काश करते थे पहले, अभी पता नहीं करते नहीं करते, कन्फर्म नहीं हो जाए। चावल की फसल ये आप लोग देख रहे हैं, चावल की फसल होती है यहाँ पर। अच्छा, तम्बाकू कसरत से बैरकुंड में पैदा होता है। यहाँ पर माशाल्लाह तम्बाकू की कंपनी भी है जो लोकल किसानों से ख़रीदते हैं तम्बाकू और फिर आगे प्रोसेसिंग के लिए। तो ये जंदर की नहर है, आगे मैं इंशाल्लाह वीडियो में आगे जंदर भी दिखाऊंगा आप लोगों को। और सब्जियों में ठिपर, मूली, मटर, पालक वगैरह, आलू, तकरीबन हर ही सब्ज़ी माशाल्लाह, जो सब्ज़ी लौकी वगैरह होती है, अच्छा टींडे वगैरह सब, यानी सब्ज़ी की जो बोलेंगे अपना, तो माशाल्लाह बैरकुंड और खाकी के दरमियान सरिये में आपको हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी और ताज़ा। तो ये देख सकते हैं आप, रियली नेचुरली ब्यूटीफुल व्यूज। तो माशाल्लाह आप लोग सैर करने के लिए कोशिश करें, आया करें इन इलाकों में, बहुत प्यारा। यहाँ पर एक दरिया सरन भी बहता है, वहाँ पर भी अक्सर लोग मतलब आते रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर नौई वगैरह में कुछ भी ना होने के बावजूद वहाँ पर एक सर्कस वगैरह लगी होती है, मेला वगैरह लगा होता है। तो अगर यहाँ पर भी कोई मतलब इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा हो खाकी सरन के साथ, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करे और यहाँ पर एक पार्क टाइप चीज़ बनाए, तो इंशाल्लाह मैं यकीन से कहता हूँ कि इस्लामाबाद तक से लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये बहता हुआ पानी अल्लाह पाक की नेमत है, कुदरती नेमत है। ये सबसे किसी जगह के इम्पोर्टेंस के लिए वहाँ पर सबसे पहले ये देखा जाता है कि वहाँ पर पानी कितना है, पानी किस तरह से अवेलेबल है। तो माशाल्लाह यहाँ पर बैरकुंड खाकी में अक्सर मतलब यानी भी कुआँ भी लोग खोते हैं 30-40 फुट के बाद पानी, मतलब इससे पहले भी बल्कि 25 से ऊपर पानी आना शुरू हो जाता है, ठीक है, पानी वाफर मकदार में मिलता है इस जगह में। और सब्ज़ी भी हर चीज़ आप लोगों को ताज़ा मिलती है, बाकी यानी ज़रूरियात के भी माशाल्लाह तरक्की कर चुके हैं बैरकुंड खाकी दोनों।
बड़ी बड़ी मार्केट्स बन चुकी हैं। तो ये आप लोग बस में अभी सब्जियों को देखें, नेचुरली हसन को देखें, बहुत प्यारे मनाजर आप लोगों को दिखेंगे। ये देखें पानी बहता हुआ, पानी कितना प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी देखें आप लोग वीडियो देखते हैं, मेरी नहीं किसी भी बहन भाई की वीडियो देखा करें अपने, तो आप लोग कोशिश किए करें वीडियो को कम से कम दो मिनट तक वाच, दो तीन मिनट तक वाच करके लाइक कर दिया करें, कमेंट में अपनी उस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार ख्याल किया करें। तो अगर आप सच्चे दिल से किसी की मदद करेंगे ना, तो इंशाल्लाह पाक आप लोगों की मदद भी करेगा। सिर्फ बस ये है कि मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई अच्छा काम करें, कोई नेकी का काम करें, तो तवक्को सिर्फ अल्लाह पाक से रखनी है, उस इंसान से नहीं करनी जिसके साथ आप कर रहे हैं, क्योंकि इंसान अक्सर मायूस कर देते हैं, लेकिन अल्लाह पाक कभी किसी को मायूस नहीं करता। तो तवक्को किसी चीज़ की भी रखें, किसी भलाई की रखें, तो सिर्फ अल्लाह पाक से रखा करें और उसकी खुशनुदी और रज़ा के लिए अच्छे काम किया करें, दूसरों की हेल्प किया करें। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स में जहाँ जो जो ग्रुप्स होंगे आप लोगों के वहाँ पर शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, ताकि हमारी आने वाली प्यारी प्यारी वीडियोस मुख्तलिफ इलाकों के, पाकिस्तान के, पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ इलाकों के कुदरती हुस्न को उजागर करने के लिए जो मैंने ये काम चैनल बनाया विलेज लाइफ एंड टूर्स, वो चैनल है जो आप लोगों के इलाकों के हुस्न को लोगों तक पहुँचाता है। यही है कि मेरी इस वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। जो जो लोग देखते हैं वीडियो तो कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरा काम आप लोगों को कैसे लगता है, मुझे इसमें क्या चेंजेस लानी चाहिए। तो ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ हाकी के मनाजर जी, बहुत ही प्यारा इलाका, बहुत ही कुदरती हुसन। ये देख लें, ये तम्बाकू काट के तो मतलब उसके डंडे जो बाकी रह गए थे तने मोह जमा किए, इसको भी लोग ईंधन के तौर पर यूज़ करते हैं जलाने के लिए। तो देखें मकई की फसल कितनी प्यारी लग रही है, आसमान भी नीले, मौसम भी बड़ा रोमांटिक है माशाल्लाह। तो इस मौसम को देख के मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं सुना देता हूँ आप लोगों को कि दुआ बहार की मांगी तो फूल इतने खिले, दुआ बहार की मांगी तो फूल इतने खिले, कहीं भी जगह ना मिली मेरे आशियाने को। तो माशाल्लाह जी बैरकुंड हाकी बहुत ही प्यारा इलाका है, ये दो मुख्तलिफ इलाके हैं, बैरकुंड पहले आता है मानसरा से उगी रोड पर और उसके बाद हाकी आता है बीच में इधर ऐसे, ठीक है, लेकिन हर तरफ सरसब्ज़ शादाब इलाका आपको देखेगा। हर ये देखें मकई के बुट्टे आप लोगों को देख रहे हैं जी, ये वीडियो कुछ अर्सा पहले यानी गुज़िश्ता साल बनाई थी तो अभी मैंने अपलोड की है, ठीक है। तो ज़रूर देख के बताइएगा मकई आप लोगों को पसंद है, बाकी सब्जियों जिनके मैंने नाम लिए हैं उनमें कुछ रह गई थी जैसे धनिया हो गई, गोभी हो गई, ये भी बिल्कुल यहाँ पर होती है, शिमला मिर्चें होती हैं, हरी मिर्चें होती हैं, यानी मैं बताऊँ ना मौसम की हर सब्ज़ी है। ये देखें लोग नौजवान हैं जो अपनी छिप्पर और मूलियाँ खेत मतलब उखाड़े थे ज़मीन से और अभी इनको धोकर यहाँ से फिर वही जगह जो मैंने बताई थी वहाँ पर रोड साइड पे बैठकर बेचेंगे, या यहाँ से ये ट्राली खड़ी यहाँ इस पर रख के मंडी भी ले जाएंगे। तो माशाल्लाह मानसरा की सब्ज़ी पंजाब तक जाती है। तो बस कोशिश किया करें कि हर कोई कोशिश करे वक्त ज़ाया ना करें, वक्त जो गुजरता वक्त है उसमें साथ साथ कुछ करें। ये जंदर आप लोगों को देख रहा होगा माशाल्लाह, ये भी एक कुदरत मतलब पुरानी मतलब ईजाद है बहुत पहले की। यहाँ पे दाने होते नीचे गिरते रहते हैं बारी बारी से माशाल्लाह इंसान, वो मैंने बचपन में एक बुक में पढ़ा था ना कि एवरी फार्मर इज़ द साइंटिस्ट इन हिज ओन फील्ड, कि हर जो फार्मर है किसान है वो अपने फील्ड का साइंसदान होता है। तो देख लें माशाल्लाह कितनी टेक्निक थी इंसान, पहले ज़माना ऐसा था ना कि इंसान जहन को यूज़ करते थे, जहन से फ़ायदा लेते थे, कुदरत को देखते थे तो उनसे सीखते थे, लेकिन आज कल का इंसान है निखटू है, मतलब ये आसानी पसंद है, मतलब मेहनत से जी चुराते हैं, बस कहते हैं जी मोबाइल और
मोबाइल और इसमें देख लूँ या कुछ खेल लूँ, बाकी कुछ दुनिया का मकसद नहीं पता कि किस मकसद के। ये देखें जंदर के मनाजर, ये जंदर के आसपास के मनाजर हैं जी, खाकी के पंचकी के, ठीक है। तो बड़ा प्यारा इलाका जी, अगर आप लोगों को कभी ज़िला मानसरा चक्कर के लिए या विज़िट के लिए आने का मौका मिले बाकी, तो ये खाकी बैरकुन का भी ज़रूर चक्कर लगाया करें। बड़ी प्यारी खूबसूरत जगह, ये लोग आप लोग देख सकते हैं हाइट से, थोड़ी हम लोगों ने वीडियो बनाई थी। ये नीचे सड़क जा रहे हैं, उगी वाला रोड है, ठीक है। तो माशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में लाजमी अपनी राय का इजहार करना कि हमारी बैरकुंडा और खाकी की ये दो जो जगह मैंने दिखाई आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। और जिन बहन भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो आपने मेज़बान सईद नियाज़ हुसैन शेख को दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जगह पर। तो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।